यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लखनऊ में गाड़ी खड़ी करने को लेकर टाइल्स व्यापारी की पिटाई। टाइल्स व्यापारी अंकुर अग्रवाल को कथित हिंदुवादी नेता मनीष प्रताप सिंह ने जमकर पीटा। व्यापारी ने आरोपी के खिलाफ मारपीट और चैन लूटने की थाने में दी तहरीर। नाराज व्यापारियों ने बाजार किया बंद। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। अमीनाबाद के हीवेट रोड की घटना। संभल में सवारी बैठाने को लेकर आपस में भिड़े टेम्पो चालक, बीच सड़क पर जमकर हुई मारपीट। पवासा पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुआ बवाल। बहजोई कोतवाली क्षेत्र का मामला। कानपुर में दबंगों ने फास्ट फूड की दुकान पर किया पथराव, 3 लोग घायल। घटना का वीडियो वायरल। उधार का पैसा मांगने पर दुकानदार से मारपीट। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में 1 हफ्ते पहले की घटना। अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल में मंचले की जमकर हुई पिटाई। स्टाफ नर्स के साथ छेड़खानी करने पर नर्स के परिजनों ने पीटा। पिटाई का लाइव वीडियो आया सामने। जिला अस्पताल के एक चिकित्सक के साथ अस्पताल में कार्यकर्ता है मंचला युवक। आगरा में खेत के विवाद में दबंगों ने की फायरिंग और पत्थरबाजी। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। थाना इरादत नगर क्षेत्र के गाँव इनायतपुर का मामला। कौशाम्बी में सवारी बिठाने को लेकर भिड़े ऑटो वाले, दोनों के बीच जमकर चले लात घूंसे। मारपीट का वीडियो वायरल। थाने से 500 मीटर की दूरी पर हुई मारपीट। सराय अकिल फकीराबाद चौराहे का मामला। कौशाम्बी में जमीनी विवाद को लेकर भिड़े दो भाइयों के परिवार, दोनों के बीच हुई मारपीट और चले लात घूंसे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कोखराज थाना क्षेत्र का मामला। शामली में फर्जी स्वास्थ्यकर्मी की सरेआम पिटाई। स्वास्थ्यकर्मी बनकर शख्स महिलाओं को करता था परेशान। कोरोना टेस्ट करने के बहाने लिया था नंबर। पिटाई का वीडियो वायरल। गाजियाबाद में बीच सड़क मां बेटी ने शोहदे को सिखाया सबक। अक्सर फोन करके लड़की को परेशान करता था मंचला। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाराणसी में सीवर पानी की समस्या से गुस्साए लोगों का प्रदर्शन। पार्षद को बंधक बनाकर सीवर के मेन हॉल पर बिठाया। बार बार शिकायत के बावजूद पार्षद नहीं कर रहा था सुनवाई। आगरा में डॉक्टर की हत्या के मामले में सीसीटीवी आया सामने। सीसीटीवी में बाइक से आता दिख रहा आरोपी। पुलिस आरोपी के एनकाउंटर के बाद कर चुकी है गिरफ्तार। गोरखपुर में कुर्सी से नीचे गिरे सांसद रवि किशन। छठ कार्यक्रम में रवि किशन का हो रहा था सम्मान। रवि किशन का गिरते हुए वीडियो वायरल। संभल के मुख्य विकास अधिकारी उमेश कुमार त्यागी को निलंबित कर दिया गया। काम में लापरवाही और बिना बताए जिला मुख्यालय से बाहर जाने की शिकायतों के बाद सीएम के आदेश पर सीईओ उमेश कुमार पर निलंबन की गाज गिरी है। प्रयागराज में जहरीली शराब से मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए सख्त। जहरीली शराब के कारोबार में लगे लोगों की संपत्ति जब्त करने के दिया निर्देश। डी और एक इंस्पेक्टर सहित 3 लोग किए गए सस्पेंड। 22 नवंबर को होने वाली गोपाष्टमी के पर्व को पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए शासन की तरफ से सभी जिलों को डीएम को लेटर भी जारी किया गया है, जिसमें गोपाष्टमी को प्रदेश भर की गौशालाओं में पर्व को धूमधाम से मनाने की बात कही गई है। कोरोना को लेकर कार्तिक मेले में होने वाली 14 कोसी परिक्रमा का प्रशासन रखेगा सी। संतों ने भी कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं से की अयोध्या न आने के लिए अपील। लखनऊ में गोलोक किताब के विमोचन में बोले सीएम। कहा गौवंश संरक्षण के लिए गोपालकों को दिए जाएंगे 900 रुपए प्रति माह। जहरीली शराब से लगातार बढ़ रही मौतों पर सीएम योगी ने दिखाई सख्ती। कहा शराब बेचने वाले ऐसे लोगों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। कुर्क होगी संपत्ति। प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से अब तक 6 लोगों की मौत। 3 की हालत अब भी गंभीर। सभी ने ठेके से खरीदी थी शराब। रायबरेली में डीएम और एसपी ने शराब की दुकानों पर मारा छापा। बिना लाइसेंस और मानक के चल रही थी शहर के अंदर शराब की दुकानें। दुकानों को सील कर कार्रवाई के दिए निर्देश। प्रयागराज में जहरीली शराब कांड के बाद कानपुर में भी प्रशासन अलर्ट। शहर में शराब की दुकानों पर चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। पुलिस और आबकारी विभाग की टीमें जगह जगह शराब के ठेकों पर कर रही चेकिंग।
हापुड़ में एमएलसी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने हापुड़ पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। इस मौके पर उन्होंने तीर्थ नगरी ब्रजघाट में रहस्यमयी तरीके से हुई 12 लोगों की मौत के सवाल पर कहा, दोषियों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। लखनऊ में सपा एमएलसी अमित यादव के फ्लैट में युवक की हत्या, राकेश नाम के युवक की गोली मारकर हत्या। हजरतगंज के लापलास अपार्टमेंट में शुक्रवार देर रात की ये वारदात। शाहजहांपुर से सपा एमएलसी है अमित यादव। हत्या मामले में डीसीपी सेंट्रल सोमेन वर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एमएलसी अमित यादव के भतीजे पंकज यादव की थी पिस्टल, छीना झपटी में चली गोली। बर्थडे पार्टी के दौरान फ्लैट में हुई थी फायरिंग। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस ने बर्थडे पार्टी में शामिल चार युवकों को हिरासत में लिया। पंकज की थी मुंगेर मेट 32 बोर की अवैध। बांदा में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष में तीन की हत्या। चचेरे भाइयों ने सिपाही और उसकी मां और बहन को उतारा मौत के घाट। एक महिला समेत दो लोग घायल। पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार। माफिया बदन सिंह बद्दो के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी। बदन सिंह बद्दो के विदेश भागने की आशंका। लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA में निरीक्षण के दौरान कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर गिरी गाज। नजूल अधिकारी सहित चार लोगों को किया गया सस्पेंड। लगातार हो रहे अवैध निर्माण से खफा थे DM। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दौर पर ACS ग्रे अवनीश अवस्थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कर रहे हैं स्थलीय निरीक्षण। अधिकारियों से ले रहे हैं एक्सप्रेसवे से जुड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह का लव जिहाद मामले पर बयान, कहा बहनों के खिलाफ हो रहे शोषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार गंभीर। कहा CM योगी के फैसले का जल्द दिखेगा प्रभाव। मुरादाबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव का बयान, BJP को बताया सबसे बड़ी झूठी पार्टी। कहा नहीं टिकेगा लव जिहाद के खिलाफ कानून। 2022 में सपा के साथ गठबंधन के दिए संकेत। मैनपुरी पुलिस ने जिले के कुख्यात वांछित अपराधियों की शहर भर में पोस्टर लगाने शुरू कर दी हैं। जिले के सार्वजनिक स्थानों पर मोस्ट वांटेड के पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर अपराधियों को पकड़वाने वालों और जानकारी देने वालों को इनाम देने का ऐलान किया गया है। टिहरी के जिला समाज कल्याण अधिकारी ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अंतरराज्य और अंतरधार्मिक विवाह करने पर 50,000 की प्रोत्साहन दी जाएगी। मामला गर्मा गया है। CM ने इसकी जांच मुख्य सचिव को सौंप दी है। सीतापुर के मानपुर इलाके के एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षिका की हत्या मामले में पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने वाली आराधना राय को दो बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी टीचर का मृतका आराधना राय से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। झांसी कोतवाली में एंटी करप्शन टीम ने RTO में तैनात दो सिपाहियों पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया। एक सिपाही महोबा और दूसरा सिपाही बांदा में तैनात है। ग्रेटर नोएडा में बेखौफ बदमाशों ने अंग्रेजी शराब के ठेकों को बनाया अपना निशाना। बदमाश ठेके से लगभग 50 पेटी शराब और कैश चोरी करके हुए फरार। दुकान में लगे CCTV को तोड़ा, DVR भी ले गए बदमाश। पीलीभीत के पूरनपुर में मामूली झगड़े में बहनोई ने साले को मारी गोली। एक दिन पहले ही पुलिस से की गई थी झगड़े की शिकायत। बरेली से कसगंजा पहुंचा था आरोपी रिश्तेदार। बलिया में जमीन विवाद में युवक की हत्या, गोली मारकर उतारा मौत के घाट। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर लगाया जाम। SP ने मौके पर पहुंचकर खुलवाया जाम। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बागपत में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी गिरफ्तार। गैंगस्टर के केस में फरार चल रहा था आरोपी। दो बदमाश फरार होने में हुए कामयाब। पकड़े गए बदमाश के पास से तमंचा बरामद। वाराणसी के पांडेपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश में युवक पर फायरिंग, गोली लगने से युवक की मौके पर मौत। मथुरा के एक आश्रम में संदिग्ध हालात में मृत मिले दो साधु, तीसरे की हालत गंभीर। गोवर्धन थाना क्षेत्र के गिरिराज बगीची में बना है आश्रम, जहर दिए जाने की आशंका। गाजियाबाद में गुमशुदा व्यापारी का कार से शव बरामद। डासना के उस्मान कॉलोनी के जंगल से मिला शव, रहस्यमय तरीके से हुआ कत्ल। सुबह गायब हुआ था व्यापारी। आगरा के फतेहपुर सीकरी के खेतों में पड़ा मिला युवक का शव। घर से शादी के कार्ड बांटने निकला था शख्स, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।
हमीरपुर जिले के राठ में एक कमरे में प्रेमी प्रेमिका के फांसी लगने से सनसनी फैल गई। बंद दरवाजे को तोड़कर पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। प्रेमी युगल रिश्ते में मामा भांजी थी। महाराजगंज के पुरंदपुर थाना इलाके में 15 नवंबर से लापता जूलर उमेश वर्मा का शव जंगल से मिला। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने जमकर हंगामा किया। मृतक की पत्नी की तहरीर पर दो अभियुक्त गिरफ्तार। शाहजहांपुर में पुलिस टीम पर हमला, पुलिस की गाड़ी में भी की गई तोड़फोड़। नशे की हालत में युवक ने की तोड़फोड़, हमले में दारोगा और सिपाही हुए घायल। मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची थी पुलिस। संत कबीर नगर के धनघटा थाना क्षेत्र में मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में पुजारी का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज, हमले का कारण स्पष्ट नहीं। कासगंज में पीआरडी जवानों से ड्यूटी लगाने के नाम हो रही अवैध वसूली, पीआरडी जवानों से वसूली का वीडियो वायरल, शेर सिंह नाम के कर्मचारी पर अवैध वसूली का आरोप। बुलंदशहर में कार सवार चोरों ने ई रिक्शा से बैटरी की चोरी की, स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के अग्रसेन बालिका इंटर कॉलेज के पास की घटना। लखनऊ के पीजीआई इलाके में क्राइम ब्रांच और पुलिस ने तीन बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों के पास से दो तमंचे और दो मोटरसाइकिल बरामद हुई। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके आगे जांच में जुटी। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान दो बाइक सवार चार बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। तीन बदमाशों को पुलिस ने घेर कर गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि चारों बदमाश प्रदेश के कई थानों से वंचित चल रहे थे और ये लोग ट्रेनों में और ट्रक चालकों को जहर देकर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। पकड़े गए अपराधी रामकरण के ऊपर 15,000 रुपए का इनाम घोषित है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मेवाती गैंग के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया। दादरी पुलिस और एसटीओ की टीम की संयुक्त कार्रवाई में ये कामयाबी हाथ लगी। मुठभेड़ के बाद पकड़े गए बदमाशों ने 5 दिन पहले ईंट भट्टे के मुनीम को बंधक बनाकर लूट की थी। पुलिस ने बदमाश के पास से लूट का ट्रैक्टर, दो तमंचे, जिंदा कारतूस बरामद किए। शातिर बदमाशों पर एक दर्जन से भी ज्यादा लूटपाट, चोरी, डकैती के केस दर्ज हैं। घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा में डॉक्टर की हत्या और लूटपाट के आरोपी शुभम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में आरोपी को गोली मारकर किया घायल, लूटी हुई रकम और ज्वेलरी बरामद। मेरठ पुलिस ने 20,000 के इनामी गौतस्कर सरफराज को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ कर रही पुलिस। 5 दिसंबर को दून पहुंचेंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। 3 दिवसीय दौरे के दौरान करेंगे पार्टी संगठन के तमाम नेताओं के साथ मीटिंग। मिशन 2022 पर होगा मंथन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया रुद्रपुर का दौरा। गांधी पार्क में करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास, कार्यक्रम को किया संबोधित। रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम के दौरे का विरोध किया। जैसे सीएम रुद्रपुर पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि उधम सिंह नगर में सीएम सरकार घोषणाएं कर रही है जबकि धरातल पर कोई काम नहीं होता दिखता। हल्द्वानी में ठंड को देखते हुए नगर निगम ने राहगीरों के लिए रैन बसेरा खोला। टनकपुर रोड राजपुरा पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रैन बसेरे की नगर निगम प्रशासन द्वारा खोला गया, जिसकी देखरेख एक संस्था को सौंपी गई। गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ ने जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। जिला योजना, राज्य योजना, केंद्र शोषित योजनाओं की कार्य प्रगति का हाल जाना, लापरवाही पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। कोरोना इंतजामों की जांच को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी कोर्ट द्वार पहुंची। इस दौरान कमेटी ने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर होंगे कुंभ के स्नान, प्रतीकात्मक तौर पर स्नान करेंगे अखाड़ों के साधु संत। 13 अखाड़ों के 26 साधु संतों को मिलेगी स्नान की इजाजत। सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद की हुई बैठक, 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि और साधु संत बैठक में रहे मौजूद। आगामी कुंभ मेले को लेकर हुई चर्चा।
डेरे के समाज कल्याण अधिकारी का पत्र जारी किया गया, अंतर्राज्यीय और अंतर धार्मिक विवाह को लेकर पत्र। 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि की घोषणा। डेहरी के समाज कल्याण अधिकारी है दीपांकर घिल्डियाल। राज्य मंत्री रेखा आर्य इस बार बूढ़ी दीपावली अपनी पैतृक गांव में मनाएंगी। कुमाऊं में बूढ़ी दीपावली बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का है आज जन्मदिन। सीएम योगी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को दी बधाई, गणेश जी की प्रतिमा भी भेंट की। सीएम योगी ने जन सुनवाई के लिए अफसरों को बहुत सख्त आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर अधिकारी सीयूजी नंबर की सारी कॉल खुद रिसीव करे, चाहे वो डीएम हो या एसएसपी। शिया वक्फ बोर्ड की सीबीआई जांच मामले को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने सीएम का कहा शुक्रिया, कहा सीएम की वजह से सीबीआई जांच शुरू हुई। अशोक कुमार बने उत्तराखंड के नए डीजीपी, 30 नवंबर को संभालेंगे चार्ज। 1989 बैच के आईपीएस है अशोक कुमार, डीजीपी अनिल रतूड़ी की जगह लेंगे अशोक कुमार। बलिया में लोहापट्टी रोड पर 4 मंजिला इमारत में लगी आग। इमारत में लखानी के शोरूम में आग लग गई। 3 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने की वजह का नहीं हो सका खुलासा। श्रावस्ती के मलहीपुर क्षेत्र में 2 बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज रेफर। अंबेडकर नगर के मरौआ थाना क्षेत्र में ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, दोनों के उड़े पर खच्चे। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, 2 घायल, घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र में घर में अज्ञात कारणों से लगी आग। देखते ही देखते आग ने दूसरे मकान को भी अपने जद में लिया। दोनों घरों से आग की लपटें उठने लगी। घरों में रखा सारा सामान जलकर खाक। दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। ललितपुर में गोविंद सागर बांध में मिले छात्र का शव, वर्कआउट न होने से पटेल समाज ने पुलिस ऑफिस में दिया धरना। पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग। परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की दी थी तहरीर। ग्रेटर नोएडा किसान एकता संघ ने की सांकेतिक भूख हड़ताल। ब्लॉक की बहाली को लेकर की भूख हड़ताल। किसानों का आरोप, ब्लॉक खत्म होने से किसानों की बढ़ जाएगी परेशानी। समस्या का समाधान नहीं होने पर किसानों ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। बहराइच में वन विभाग को मिली कामयाबी, तेंदुए को पिंजरे में किया कैद। कई ग्रामीणों पर हमला कर बच्ची को बना चुका था निवाला। तेंदुए के पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। मुर्तिहा इलाके के गोलहना का मामला। पीलीभीत में बीते एक हफ्ते से इलाके में बाघ की दहशत। खारजा नहर किनारे बाघ ने जमाया डेरा, ग्रामीण परेशान। वन विभाग की टीम का दावा, बाघ की मॉनिटरिंग कर जंगल के अंदर भेजने का प्रयास जारी। गाजीपुर का रोडवेज बस डिपो पिछले 5 सालों से बदहाली के आंसू रो रहा है। बस स्टैंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। रोडवेज में इंटरलॉकिंग ब्रेक्स नहीं लगने की वजह से बसें बाहर खड़ा रखने में विभाग खर्च रहा है लाखों रुपए। अब तक चौकीदारों को दे दिए 8 लाख रुपए। कानपुर की आबोहवा एक बार फिर जहरीली हो चली है। कानपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंचा। अयोध्या में दीपो उत्सव के बाद अब कार्तिक मेले की बारी। कार्तिक मेले के ऊपर कोविड-19 का खतरा। जिला प्रशासन और साधु संतों ने कार्तिक मेले के आयोजन में 14 कोसी, पंचकोसी परिक्रमा और पूर्णिमा स्नान में देश के लाखों श्रद्धालुओं से अयोध्या नहीं आने की अपील की। प्रशासन मेडिकल स्टोर लगाएगा जहां पर टेम्परेचर चेकिंग और मास्क की जाँच होगी। अंबेडकर नगर में छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई गई। महिलाएं गाजे बाजे के साथ नदी के तट पर पहुंची और पूजा के लिए नदी में खड़े होकर सूर्य देवता को जल अर्पण किया। वाराणसी में गंगा किनारे लोगों ने उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ पूजा का 4 दिवसीय अनुष्ठान पूरा किया। सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रतियों ने प्रसाद खाकर व्रत तोड़ा। छठ पूजा के मौके पर देश भर में आस्था का उत्साह देखने को मिला। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम और दूसरे घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। व्रती महिलाओं ने इस मौके पर उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर किया छठी मैया से अपने सुहाग की लंबी उम्र व परिवार के सुख समृद्धि की कामना। उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ ही छठ का व्रत पूरा हो गया। कानपुर में व्रतियों ने सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पण कर अपनी पूजा की। घाटों पर लोगों की भीड़ के साथ छठ की रौनक भी देखने को मिली।
मेरठ में भी छठ मैया के महापर्व का समापन बड़ी धूमधाम से हुआ। सैकड़ों की संख्या में घाटों पर पहुंचे भक्तों ने उगते सूर्य को अर्घ देकर अपने व्रत को अपारण करते हुए समापन किया। गाजियाबाद में छठ का त्योहार बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। छठ पर्व के चौथे और आखिरी दिन सुबह 4 बजे से व्रती महिलाएं ठंडे पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर का इंतजार कर रही थी। छठ महापर्व की रौनक देहरादून में भी देखने को मिली। छठ पर्व मनाने के लिए लोगों ने घरों के पास ही पूजा के लिए व्यवस्था की। सूर्य उदय के बाद छठ महापर्व का समापन हुआ। रायबरेली में डीएम वैभव श्रीवास्तव ने घर पर मनाई छठ पूजा। घर पर पूजा अर्चना कर लोगों को दिया संदेश। कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर नोएडा प्रशासन सख्त। शादी समारोह में लोगों के शामिल होने पर लगाई गई पाबंदी। अब केवल 100 लोग ही शादी समारोह में हो सकेंगे शामिल। दिल्ली में बढ़ते कोरोना को लेकर यूपी में अलर्ट। बरेली से दिल्ली आने वालों की कोरोना की जांच करवाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी टोल प्लाजा के पास कैंप लगाकर लोगों की जांच कर रहे हैं। मसूरी की LBS एकेडमी कोरोना संक्रमण की चपेट में आई। यहां 33 ट्रेनी IAS की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। हाल ही में ये सभी ट्रैकिंग पर गए थे। फिलहाल 32 ट्रेनी IAS को एकेडमी में ही आइसोलेट कर दिया गया। अमेरिका के बाद कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले भारत में। पिछले 24 घंटों में 40,232 नए संक्रमित मरीज आए सामने। 564 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हारे। बीते दिन नए संक्रमितों से ज्यादा 49,715 मरीज कोरोना से ठीक। भारत में कोरोना के मामले बढ़कर 90,50,000 हो गए। इनमें से अब तक 1,32,726 लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक्टिव केस 4,39,747 पर आ गए। 84,78,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में 20 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 13,05,00,000 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 10,00,000 सैंपल कल टेस्ट किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर कोरोना वायरस से संक्रमित। जांच की रिपोर्ट आने के बाद से आइसोलेशन में है जूनियर ट्रंप। दुनिया के 218 देशों में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6,59,000 से ज्यादा नए मामले। वहीं 11,085 लोगों की मौत भी हुई। दुनिया में अब तक 5,78,95,000 कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी में सेना का एक जवान शहीद। इस साल 3200 बार सीज फायर का उल्लंघन। नौशेरा सेक्टर के लाम इलाके में सीमा पार से देर रात करीब 1 बजे हुई थी गोलाबारी। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बड़ा बयान। कहा कोरोना से पहले ही धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद की महामारी का शिकार हुआ देश। देश ऐसी विचारधाराओं से खतरे में है जो उसको हम और वो की काल्पनिक श्रेणी के आधार पर बांटने की कोशिश करता है। हैदराबाद से सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का संघ पर निशाना। कहा संघ नहीं चाहता मुस्लिम राजनीति में हिस्सा ले। हिंदुत्व इस झूठ पर बना है कि केवल एक ही समुदाय के पास राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए। पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को PM ने किया संबोधित। कहा चुनौतियों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति होता है सफल। यूनिवर्सिटी में मोनोक्रिस्टालीन सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल के 65 मेगावाट के उत्पादन संयंत्र का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। प्रदूषण के कारण फिर मैली हुई यमुना नदी। दिल्ली UP बॉर्डर पर नदी में बह रहा जहरीला झाग। यमुना में सफेद बस की चादर बिछी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सिलसिलेवार धमाकों से दिल्ली। अफगानिस्तान के काबुल शहर में दागे गए 14 रॉकेट। रॉकेट गिरने से 5 लोगों की मौत, 21 से ज्यादा लोग घायल। घनी आबादी वाले ग्रीन जोन और उत्तरी इलाके में दागे गए रॉकेट। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ को लेकर पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को विदेश मंत्रालय ने शनिवार को किया तलब। पाक अधिकारी आफताब हसन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया था। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी दर्ज की गई बढ़ोतरी। देश के 4 बड़े महानगरों में डीजल 20 से 23 पैसे और पेट्रोल 15 से 17 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। दिल्ली में 70.88 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा डीजल। 81.38 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचे पेट्रोल के दाम।